न्यूज वॉर इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वक्त हो गया है देश की बात का। संस्कृत की सुरक्षा में सेंध को लेकर मामला इतना भड़का कि सरकार से मामले के जवाब को लेकर सदन के अंदर से लेकर बाहर तक सियासी संग्राम नजर आया। जहां एक तरफ सरकार जांच और कार्रवाई की लगातार बात कह रही है, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि जवाब देने के बजाय सवाल करने पर सांसदों का निलंबन किया जा रहा है। वहीं पूरे मामले में अभी तक कुल 141 सांसदों का निलंबन हो चुका है। अब रोज निलंबित सांसद सदन के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और बयानबाजी भी कर रहे हैं। निलंबित सांसद यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने तो राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने लगे और रील्स बनाने लगे। ताजुब की बात है कि राहुल गांधी सहित बाकी सांसद इस पर ताली बजा रहे थे, वीडियो बना रहे थे, चुटकी ले रहे थे। वहीं मामले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जगदीप धनखड़ ने पूरे मामले को अस्वीकार्य करार दिया है। संसद की सुरक्षा में सेंध में इस पूरे मसले पर विपक्षी अपनी दलील दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि मामले को लेकर सवाल करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सरकार जवाब देने के बजाय निलंबन कर रही है और उनमें से कई ऐसे जो सदन में मौजूद ही नहीं थे। जबकि सरकार का कहना है कि नई सदन में तख्ती वाला विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बीजेपी की संसदीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर विपक्ष ऐसा ही नकारात्मक राजनीति करना चाहता है तो 2024 में भी वो बाहर ही बैठेंगे। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने निलंबन की कार्रवाई की। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार विपक्ष के पुराने रवैये पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है? क्या सदन के भीतर संसद की सुरक्षा में हुए सेंध को लेकर सरकार को विपक्ष को जवाब देना चाहिए? क्या विपक्ष ने जो जवाब की मांग की है वो नकारात्मक राजनीति का उदाहरण है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या है या फिर सरकार जानबूझकर निलंबन की कार्रवाई कर रही है? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बड़ा ही सम्मानित पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आइए आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या कुछ इस पूरे मामले पे बोलते हुए नजर आए वो सुनवाते हैं। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो, मैं तो यही कह सकता हूं सद्बुद्धि आई। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगदीप धनखड़ को भी आपने सुना कि ये अस्वीकार्य है। ऐसी हरकतें और ऐसा आचरण सदन के अंदर सदन के बाहर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ था। कई बड़े चेहरे और इसमें राहुल गांधी भी थे जो इस नाटक का पूरी तरीके से वीडियो बनाते हुए नजर आए। अगर सदन के अंदर आवाज उठाना या बदतमीजी करना सही नहीं है तो क्या सदन के बाहर इस तरह से सभापति और उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाना सही है? टीएमसी सांसद जिन्होंने मखौल उड़ाया, लेकिन गलती क्या सिर्फ इन अकेले की थी? गलती उन लोगों की नहीं थी जो इनका मनोबल बढ़ा रहे थे, गलती उन लोगों की नहीं थी जो वीडियो बना रहे थे और तालियां बजा रहे थे, मखौल उड़ा रहे थे। गलती इन सबकी है। विरोध करना आपका अधिकार है, सवाल करना आपका अधिकार है, लेकिन एक पद की गरिमा का ध्यान रखना भी आपका कर्तव्य होना चाहिए।
लेकिन विपक्षी सांसद शायद ये भूल गए कि यहां पर जिस पद पर जगदीप धनखड़ बैठे हैं वो पद एक सम्मानित सर्वोच्च पद है और आप किसका माहौल बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सदन के अंदर और सदन के बाहर चल क्या रहा है, आखिर आप देश को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले जो युवा नेता हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं उन्हें किस तरह की राजनीति दिखा रहे हैं। संसद में 13 तारीख को सेंध लगी है सुरक्षा में और इसको लेकर कार्रवाई भी लगातार की जा रही है और उसी दिन से लगातार विपक्ष मांग रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह इस पर अपनी बात रखें, सरकार इस पर जवाब दे। बात ठीक है, विपक्षी सांसद होने के नाते, विपक्षी नेता होने के नाते आपका पूरा अधिकार है कि आप सवाल करें, जवाब मांगें, लेकिन एक गरिमा होती है, एक संयम होता है, लेकिन यहां पर ना तो गरिमा नजर आई और ना ही संयम इन सांसदों का नजर आया है। लेकिन सवाल दूसरी तरफ भी उठ रहा है कि क्या अगर सदन के अंदर आवाज उठाई जाएगी तो क्या आप निलंबन की कार्रवाई धड़ाधड़ करते रहेंगे। ऐतिहासिक है, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में आज की तारीख जो है ना वो अलग ही अक्षरों में, अलग ही किताब में लिखी जाएगी। बड़े पैमाने पर सांसदों का निलंबन लगातार किया जा रहा है और सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से सांसदों का निलंबन हो रहा है, क्या पूरी संसद विपक्ष विहीन हो जाएगी, और अगर विपक्ष विहीन संसद होती है तो क्या ये तानाशाही है, क्योंकि तब आपके पास विपक्ष नहीं होगा सवाल पूछने के लिए। आप जो भी बिल लेकर आ रहे हैं, जो भी बात रख रहे हैं, उसका विरोध ही नहीं होगा तो कैसे जनता समझेगी कि इसमें क्या खामियां हैं, क्या सही है, क्या गलत है। तो निलंबन की कार्रवाई लगातार हम देख रहे हैं, बीते 3 दिन से लगातार जारी है। 13 तारीख को भी सांसदों का निलंबन हुआ जिसको लेकर लगातार विपक्षी नेता जो हैं आवाज उठा रहे हैं और सदन के बाहर बैठकर हंगामा कर रहे हैं। लेकिन आज एक और तस्वीर निकलकर सामने आई जो अशोभनीय है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। लाल बहादुर खोवाल मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस नेता हैं। हर गोविंद अरोड़ा जी मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अमित तिवारी जी का। अमित तिवारी जी, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कार्रवाई आप कर रहे हैं, चलिए मान लीजिए वो भी ठीक है, सांसदों का निलंबन कर रहे हैं वो भी ठीक है। आज जो उस पद पर बैठे थे जगदीप धनखड़ जी, उनका मखौल उड़ाया गया, बिल्कुल गलत था, बहुत गलत था। लेकिन जिस तरीके से आप विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। काजल जी, देखिए जिस तरीके से आप, अगर आप ये कहेंगे कि हम विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप संसद में प्लैक कार्ड लेकर जाएंगे, वहां पर बल जाकर आप हंगामा करेंगे और स्पीकर को आप अपशब्द कहेंगे, तो निश्चित तौर पे स्पीकर का वो अधिकार है कि आप निलंबन करें। अगर देखिए हम इसी पैनल पे बैठे हुए हैं, अगर कोई एक दूसरे को टोका टाके शुरू कर देता है तो आप हैं उसको नियंत्रित करने के लिए, आप उसको माइक उसका बंद कर देंगे, आप उनको बोलेंगे कि आप मत बोलिए। तो ये जिस तरीके से आप नियंत्रित कर रहे हैं, इसी तरीके से लोकसभा में भी सबको नियंत्रित करने का काम स्पीकर। अमित तिवारी जी, माफ कीजिएगा बीच में रोक रही हूँ, आगे अपनी बात को आप पूरा करिएगा, लेकिन अगर इसी चर्चा में मैं आपको बोल दूं कि आप रुक जाइए, आप कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ कांग्रेस बोलेगी, तो ये तो गलत होगा ना। नहीं, ऐसा होता नहीं है लोकसभा में काजल जी। अगर आप पूरी की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे और जो हुआ उसमें आप देखेंगे तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा, किस तरीके से लोकतंत्र के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया। और ये वही लोग हैं जो कश्मीरी फाइल्स पर हिंदुओं की संवेदना का मजाक उड़ाते हैं, गौमूत्र स्टेट कहकर फिर से हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं, और आज संसद में
जो उपराष्ट्रपति जी का जो उस परिसर के अंदर जो आपने दिखाया उसको तो मैं बयान भी नहीं कर सकता किस तरीके से उनका मजाक उड़ाया गया। क्यों? क्योंकि वो एक हिंदू है, एक किसान पृष्ठभूमि से आते हैं। क्या सिर्फ इसलिए? क्या अगर उस चेयर पे कोई और होता तो इनकी हिम्मत होती उसके लिए ऐसा मजाक उड़ाने की? क्या राहुल गांधी इस चीज को जस्टिफाई करके कांग्रेस, क्या राहुल गांधी के खिलाफ जो भी बोला जाता है उसको भी क्या जस्टिफाई कर रही है? क्या किसी सांसद के खिलाफ अगर कुछ बोला जाता है तो क्या उसको जस्टिफाई कर रही है ये नुक्कड़ नाटक करके? नहीं। तो ये देखिए, लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें हम चर्चा के लिए जाते हैं, वहां से जनहित के निर्णायक जो नीतियां हैं वो निकल सके उसके लिए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से हंगामा करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अनुभव किसको है विपक्ष में रहने का? शायद किसी को नहीं है। लेकिन आप पुराने तमाम वीडियोस निकाल के देख लीजिए, किसी भी बड़े नेता ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के ना वो प्लाकार्ड दिखाया, ना वो हंगामा किया, ना बैल बजा के कोई छलक करने की कोशिश की, ऐसा कोई भी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरा चैनल देख लीजिए। और जैसा कि आपने पहले कहा कि ये सबसे बड़ा पहली बार ऐसा हुआ कि इतने सारे सांसद, तो ऐसा पहली बार नहीं है। 89 में राजीव गांधी जी की सरकार में जिस समय उनको उनकी सरकार थी उस समय भी एक बार में 68 के आसपास सांसदों को निकाला गया था, तो वो भी एक ही दिन में किया गया था वो कार्रवाई। तो ये पहली बार नहीं है, पहले भी जो स्पीकर के संज्ञान में जो भी आता है और उनका वो अधिकार है, जिसको वो चाहे वो निलंबित करे उसके भाषा को लेकर या उसके हरकतों को लेकर या जिस तरीके की उस समय में संसद में परिस्थितियां बनती है उसको लेकर। आप देखिए अमित तिवारी जी, आपकी सारी बातें ठीक है, जो आज हुआ जिस तरह से उपराष्ट्रपति का माहौल बनाया गया वो वाकई शर्मसार कर देने वाला है, सर झुका देने वाला है, बिल्कुल ठीक है। और सांसद किस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो भी गलत है। आपने कहा कि इससे पहले भी हुआ है, मैं मानती हूँ इससे पहले भी हुआ है, लेकिन अमित तिवारी जी, अगर संसद को पूरी तरीके से विपक्ष विहीन कर दिया जाएगा आज के दौर में, तो फिर ये क्या मैसेज जाएगा देश तक? मैं आपसे जानना चाहती हूँ और सरकार आपकी, हाँ बताइए मुझे। निश्चित तौर पे देश में कैसा, आप जैसा काम करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आप पेपर एग्जाम में आप जाते हैं, अगर एग्जाम के पेपर में अगर आप कुछ लिखते नहीं है तो आपको जीरो नंबर आता है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम टीचर के ऊपर चला गया, ऐसा नहीं होता है। आप जैसा रवैया करेंगे वैसा आपको सजा मिलेगा। और लोकतंत्र के मंदिर में एक गाइडलाइन है, सेट ऑफ रूल्स है, और उसका फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कहें कि कोई सेट ऑफ रूल फॉलो ही नहीं करेगा, जिसको जो मन में आए वो करता रहेगा, तो ऐसा देश नहीं चलता है। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर हम इस देश को कहते हैं तो उस देश की कुछ मर्यादाएं हैं, उसकी कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, जिसको, और ये तो चुने हुए सांसद है, इनका इनके तो कंधों पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हम और आप तो फिर भी एक आम कार्यकर्ता है, एक आम लोग यहाँ पे सिटीजन के तौर पे बैठे हैं, लेकिन जो चुने हुए सांसद हैं उनके कंधों पर एक देश को आगे ले जाने की भार है, उनके कंधों पर इतना बड़ा जिम्मेदारी है, और वो अगर इस तरीके का रवैया करेंगे तो मेरे ख्याल से ये शोभा नहीं देता है, और उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है अमित तिवारी जी, एक और सवाल फिर मैं कांग्रेस का रुख करूंगी। एक और सवाल है, बहुत छोटा सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो बैठक की है उस बैठक में ये कहा है कि अगर विपक्ष इस तरीके का रवैया अपनाएगा तो 2024 में भी बाहर ही बैठेगा। चलिए, यहां से एक तरफ ये तो कहा जा रहा है, बीजेपी और बहुत दिन से ये कह रही है कि 2024 भी हम फतह करने वाले हैं, तो क्या हम ये मान लें कि विपक्ष बाहर ही बैठेगा? देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप नकारात्मक राजनीति करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने जो संसद शुरू होने से पहले ही कहा था कि आइए देश के हित जुड़े हुए मुद्दों को उठाइए, मैं विपक्ष में मैं आपका सहयोगी नहीं हूँ, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैं ये आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि जनता के हितों के मुद्दों को उठाइए, शायद आपको कुछ सीटें मिल जाए। लेकिन अगर ये रवैया रहेगा, और एक बात मैं आपको जोड़ूं, जो कल्याण बनर्जी है, जो ड्रामा कर रहे थे उपराष्ट्रपति जी का, उनका उनकी खींच में समझता हूँ, वो टीएमसी से आते हैं, उनकी खींच में समझता हूँ, क्योंकि यही गवर्नर रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार में, और ममता बनर्जी को नाको चने चबा देने का काम ने किया था, किस तरीके से उनकी नीतियों को, किस तरीके से जो वहां पे अराजकता होती थी उसको रोकने का काम बनर्जी करते आए थे, तो ये खींच टीएमसी की समझ में आती है, लेकिन राहुल गांधी उसको रिकॉर्ड करते हुए उनके साथ पार्टिसिपेट करके हंसते ठीक है। अमित तिवारी जी, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। सर लाल बहादुर खोवाल जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 जी
लाल बहादुर खोवाल जी क्या कहेंगे आज जो राहुल गांधी ने किया, क्या वो गलत नहीं था? अगर इस तरह का मखौल राहुल गांधी का उड़ाया जाता तब भी कांग्रेस चुप हो जाती और ये कहती कि लोकतंत्र की हत्या ऐसा है। काजोल जी, देश के इतिहास में ये काला दिन है कि लोकतंत्र में, संविधान में जो हमें अधिकार दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को भी किस तरह से उनका हनन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह का रवैया अपनाए हुए है, इसका खामियाजा तो 2024 में इनको भुगतना पड़ेगा। परंतु पूरा देश ये देख रहा है कि किस तरह से एक चुने हुए लोकतंत्र में पब्लिक की बात को रखने के लिए इनको चुना गया है, एक आम जनता की बात रखने के लिए पार्लियामेंट में बोलने की जब ये करते हैं, जब कोशिश करते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का भाषण भी किस तरह का होता है कि 2024 में भी ये बाहर बैठेंगे। लक्षेदार, अभी मेरे भाई तिवारी जी लक्षेदार भाषण दे रहे थे, भाषण से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। लोकतंत्र हमारे देश का, पूरे विश्व में लोकतंत्र की एक किस तरह से मिसाल। लाल बहादुर जी, बाकी देखिए सदन के अंदर की बात को अगर हम, एक मिनट सुनिए, अगर लोग सदन के अंदर की बात को हम एक बार के लिए बाद में उठाते हैं, अगर सदन के बाहर की बात को मैं उठाऊं, जो आज सदन के बाहर हुआ, क्या ये लोकतंत्र है? ऐसा है काजोल जी, जो भी कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं वो संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही कोई भी काम करते हैं, लेकिन अंदर जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, किसी उपराष्ट्रपति का, स्पीकर का मखौल बनाना, वीडियो बनाना, क्या राहुल गांधी को शोभा देता है? ये भी संविधान में लिखा है क्या? राहुल जी, उपराष्ट्रपति ने जिस तरह से गरिमा को भी खराब करने का काम किया है, किस तरह से आज तक हमने कोई उपराष्ट्रपति, सभापति ऐसा नहीं देखा। बताइए 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 क्या किया, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हो, उनकी हम देख रहे हैं ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, काजोल जी, मुझे नहीं लगता ऐसे बातों का हमें यहाँ समर्थन करना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति की गरिमा को लेकर यहाँ पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक मिनट, ये एक अच्छी बात नहीं है। नहीं, सभापति जी ने, काजोल जी, मुझे लगता है इनको यहाँ पे रुकना चाहिए। सर एक सेकंड, सभापति सुनिएगा, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी मर्यादाओं को नहीं लांगा है, कभी भी मर्यादाओं से बाहर नहीं। ये मर्यादा को लांगना ही तो हुआ ना सर, सभापति जी ने ऐसा क्या किया जो उन्होंने वहां की सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा दी? बता दीजिए मुझे, ऐसा कौन सा उपाय था? देश के इतिहास में पहली बार 78 सांसदों को किस तरह से निलंबित किया गया है? सर सर सर, शायद आप भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं, कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ था, आप भूल रहे हैं शायद। इस तरह की घटनाएं हमने आज तक नहीं देखी, लोकतंत्र के आज तक के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा। बल्क में इतने इतने सांसदों को निलंबित कर देना, ये प्रजातंत्र में बहुत बड़ा सुधाराघात है। तो काजोल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम सब लोगों के लिए, मीडिया के लिए भी और सब लोग के लिए, हमारे लिए ऐसी समस्या खड़ी होगी। हमें ऐसे देश का निर्माण किया था हमारे कांग्रेस जनों ने, देश का इतिहास आप पढ़िए, इस तरह से देश को आजाद कर। लाल बहादुर खोवाल जी, एक मिनट, आ रही हूं, अमित तिवारी जी, एक सेकंड। लाल बहादुर खोवाल जी, मेरी बात सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप ही कह रहे हैं कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ और कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। 1989 का जिक्र अभी अमित तिवारी जी ने किया था और मैं भी कर रही हूँ। 1989 में राजीव गांधी की सरकार के समय में 63 लोकसभा सांसद निलंबित किए गए थे और देश की राजनीति में उसके बाद बड़े बदलाव हुए थे। क्यों किए गए? ऐसा नहीं हुआ, आप कैसे कह सकते हैं? काजोल जी, आप उस संदर्भ को इससे मत जोड़िए, वो टाइप का था। आज तो केवल है भारतीय जनता पार्टी, वो केवल कांग्रेस मुक्त भारत को करना चाहती है, उनका नारा है।
कि कांग्रेस मुक्त भारत को किया जाए, ये के जो नारा इन्होंने दिया है किसी की पार्टी ये आगे चला रहे हैं, मुद्दे होते हैं इतनी बड़ी बात हुई है देश की संसद पे इस तरह से सुरक्षा पे एक प्रश्न चिन्ह लगा है और सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। बात सांसद कहना चाहते हैं, देश की संसद में बैठे लोग पूछना चाहते हैं कि आपने नई संसद का निर्माण किया उसमें किस तरह की घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के उसके ऊपर पास उन्होंने इशू किया है उसके ठीक है। लाल बहादुर खोवाल जी वापस लौटूंगी मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हरगोविंद सिंह अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरोड़ा जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हरगोविंद जी आवाज आ रही है मेरी? शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, अमित तिवारी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित तिवारी जी देखिए, कांग्रेस ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब कांग्रेस से कह रही है कि आप इस वाक्य को उस वाक्य से मत जोड़िए। देखिए बात यहां निलंबन की ही है, निलंबन से बौखलाए ही सांसद बाहर बैठे थे और आज तस्वीर ऐसी निकलकर सामने आई। लेकिन चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हमें समझना होगा हम देश के जो नौजवान हैं जो आगे राजनीति में बढ़ना चाहते हैं उनको किस तरह का एग्जाम्पल सेट करके दे रहे हैं। बिल्कुल काजोल जी, इन्होंने कहा लाल बहादुर जी ने कि उस घटना को मत जोड़िए। आप देखिए 84 के जो घटना हुई थी उसके बाद कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आई थी, 400 प्लस सीटें थी, उसमें से कुछ 100 सीटें विपक्ष की थी, उसमें से आप 63-64 लोगों को सांसदों को आप निकाल देते हैं तो बचे कितने? और ये कहते हैं उस घटना को इस घटना से कंपेयर मत कीजिए। इसी डिबेट के अंदर में लाल बहादुर जी ने इतनी शर्मनाक बात कही, उन्होंने उपराष्ट्रपति को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। आप देखिए उपराष्ट्रपति का पद एक गरिमा का पद होता है, मैं आपको उस समय भी बोल रहा था कि इसको रोका जाए, ऐसी भाषा उपराष्ट्रपति उसको नहीं जी उनको नहीं बोला, लेकिन ये धारा प्रवाह बोलते गए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको अपने नेता के कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए, ना मानते हुए ये कर रहे हैं। तो किस तरीके से ये चरण चुंबू की ये चाटुकारी नेता है मुझे समझ में आ गया। अब इनके ऊपर मुझे कुछ नहीं बोलना। देखिए जिस तरीके लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके लाल बहादुर शादी चाहिए। हाँ लाल बहादुर जी सुनिएगा, उसके बाद जवाब सुनिएगा। लाल बहादुर जी मैंने आपको सुन लिया, अब आप मेरी बात सुनिए। जिस तरीके से आपको यहाँ पे आना चाहिए था, राहुल गांधी के कुकृत्य पे माफी मांगनी चाहिए थी, अपने घमंडिया गठबंधन के जो सांसद थे उनके कुकृत्य पे माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो नहीं करते हुए आपने उपराष्ट्रपति को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ये निंदनीय है, ये शर्मनाक है। अभी भी आपको अगर शर्म आ रही हो तो आप लाइव है, माफी मांग लीजिए, शायद जनता आपको माफ कर दे। लेकिन जिस तरीके से आपने ये काजोल जी एक चीज समझने की जरूरत है, ये इनका एक पैटर्न है, ये मॉडल्स ऑपरेंडी है ये पूरे के पूरे घमंडिया गठबंधन का। कैसे आप देखिए कश्मीरी फाइल्स के मुद्दे पर हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता है, किस तरीके से गौमूत्र स्टेट करके जो हिंदी भाषा क्षेत्र है उनको उनका मजाक उड़ाया जाता है, और आज जो सिटिंग चेयर है और जो मुख्यमंत्री है उनको मजाक उड़ाया जाता है। मैं तो आज लाल बहादुर जी से पूछना चाहता हूँ, क्या वो किसी और धर्म के वहां पे स्पीकर बैठे होते तो क्या इनकी हिम्मत होती वो करने की? अमित तिवारी जी इसमें धर्म मत जोड़िए, इसमें धर्म मत जोड़िए सर, धर्म की राय ये है, ये इनकी मॉडल्स ऑपरेंडी है। अब वो कुछ भी सोच रहे हैं लेकिन आप इसको धर्म से मत जोड़िए सर, ये बहुत गलत तरीके से बात चली जाएगी। फिर अगर आप इसे धर्म से जोड़ेंगे, आपसे उम्मीद नहीं है कि इसे आप धर्म से जोड़ें। नहीं, मैं तो इनके कुकृत जो ये आज तक करते आए हैं, किस तरीके से हिंदुओं की संवेदना कश्मीरी फाइल्स वहां की कश्मीर की हिंदुओं की संवेदना थी उस पर किस तरीके से दिल्ली के संसद में मजाक उड़ाया गया, ये घमंडिया गठबंधन के ही लोग हैं वहां पे। चलिए ठीक है, अमित तिवारी जी, अमित तिवारी जी लौटूंगी आपके पास, एक सवाल ले लूं राजनीतिक विश्लेषक जी से, फिर आपका रुख करती हूं मैं। हरगोविंद जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी। हरगोविंद जी ये जो हो रहा है इस सत्र के दौरान हमने देखा, पहले तो सदन के अंदर सुरक्षा में चूक हो जाती है, सुरक्षा में सेंधमारी होती है, जिसके बाद विपक्ष की बौखलाहट नजर आती है, सवाल बिल्कुल बनते हैं।
सवाल विपक्ष के उठाना भी बनता है, लेकिन उन लोगों को जो सदन के अंदर सेंधमारी करने के लिए गए थे उनको ये कह देना कि ये नौजवान है और नौजवान जो है बेरोजगार है, इस वजह से ऐसी हिमाकत कर रहे हैं, पहले तो आप उनके हितैषी मत बनिए। दूसरा ये होता है कि एक के बाद एक निलंबन की कार्रवाई होगी है, तो थोड़ा सा मुझे समझाने की कोशिश करिए और दर्शकों को भी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर कि क्या ये निलंबन की कार्रवाई ठीक है और जो आज हुआ सदन के अंदर और सदन के बाहर जिस तरह से उस पद की गरिमा को तार तार किया गया, क्या ये सही है? अगर आप अपनी बात भी रख रहे हैं या आप अपनी बात मनवाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आप एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को लांग नहीं सकते आप। वंदे मातरम। देखिए सबसे पहले तो भारत का संविधान एक सामान्य नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। जब कुछ सांसद चुन के जाते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, एक सांसद लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। और जहां तक मेरा संविधान के अनुसार मानना है कि सभी सांसद वो समान सम्मान के हकदार हैं। अब विपक्षी सांसदों का उनके द्वारा किए गए कृत का मैं कहीं समर्थन नहीं करता, पहला। दूसरा, चाहे सभापति हो या सामान्य सांसद हो, विरोधी सांसद हो या सत्तारूढ़ दल के सांसद हो, क्या सदन के अंदर सबको सम्मान अलग अलग श्रेणी में मिलेगा? जब रमेश बिधूरी जी ने दानिश अली जी को भरी संसद में, वो वीडियो भी तो हमने देखे, पूरे विश्व में देखे, कटुआ का अपमानजनक शब्द कहे, तो दानिश अली एक सांसद होने के नाते उनके दिल पर क्या बीती होगी? अगर यही उनकी पीड़ा उपराष्ट्रपति महोदय उस समय इस पर अंकुश लगाते हो तो शायद आज ये पूरे देश को या पूरे विश्व को देखना ना पड़ता और लोकतंत्र को ऐसा अपमानित ना होना पड़ता। रही बात के संसद की घुसपैठ की, आपने चर्चा की, देखिए दोनों में से एक बात तो माननी पड़ेगी, घटना गंभीर थी या सामान्य थी? विपक्षी दल बोलते हैं सामान्य घटना थी, सत्ता पक्ष बोलता है गंभीर घटना थी। सत्ता पक्ष की बात को लेते हैं, घटना गंभीर थी, है सब मानते हैं गंभीर थी, अशोभनीय थी। अब आप और मैं सामान्य नागरिक होने के नाते कोई भी प्रश्न देश के गृहमंत्री से कर सकते हैं ना, उनकी जवाबदेही सामान्य नागरिक के प्रति है ना, तो वही तो संसद में जो सामान्य नागरिक के प्रतिनिधि गए उन्होंने पूछना चाहा कि आप जवाब दीजिए तो उसमें अहंकार क्यों? तो देखिए दोनों तरफ से बजने वाली ये ताली लोकतंत्र पर गाली, तो ये तो जनता अपमानित हो रही है ना, देश अपमानित हो रहा है, खाली सदन अपमानित थोड़ी हो रहा है। तो हर बात का खामियाजा जनता क्यों उठाए? संसद में सेंधमारी हुई, सरकार जवाब दे है, सुरक्षा में चूक हुई है, सरकार जवाब दे है, तो आम आदमी को तो लेकिन सजा मिली ना, पब्लिक गैलरी बंद कर दी गई। आप तो सांसदों की बात को छोड़िए ना, आप और मैं सामान्य नागरिक हैं, हम सांसद नहीं हैं, हम गृह मंत्री जी से जाकर ये निवेदन कर सकते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ और क्या भविष्य में इस पर रोक लगेगी। तो मैं तो गृह मंत्री जी का इतना आदर करता हूं, वो हमें झट से उसका जवाब भी दे देंगे। तो यही विपक्षी सांसद पूछ रहे होंगे, हर चीज में, हर सेक्शन में, हर सत्र में बातों का बतंगड़ बनाना, डेमोक्रेसी को चकनाचूर करना आदत सी बन गई है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो है ना वो देश के भविष्य के लिए और राजनीति के लिए बहुत ही डरावनी नजर आती है। अमित तिवारी जी, वापस लौटूंगी इस चर्चा में, पहले ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर किस तारीख में कितने सांसद निलंबित हुए हैं। तारीख 14 दिसंबर 13 लोकसभा से, राज्यसभा से 1, 18 दिसंबर 45, 33 राज्यसभा से, 29 दिसंबर 49 राज्यसभा से कोई नहीं, कुल मिलाकर 107 लोकसभा से और राज्यसभा से 34। आप सोचिए इतनी बड़ी संख्या में निलंबन हो रहा है। अब खबर क्या है?
संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर सियासी विवाद बढ़ा। सदन में आज प्रदर्शन कर रहे 49 सांसद निलंबित कर दिए गए। लोकसभा में तख्ती लेकर प्रदर्शन पर कार्रवाई हुई है और पहले से कहा गया था नई सदन के अंदर तख्ती प्रक्रिया नहीं चलेगी। नियम 37(374)A के तहत लोकसभा से निलंबन हुआ है। लोकसभा से निलंबन के बाद हाहाकार मच गया। 3 दिनों में संसद की सुरक्षा में सेंध मामले पर बयान की मांग हो रही है। सरकार से सदन में बयान की मांग विपक्ष कर रहा है। निलंबित सांसदों ने उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की और राहुल गांधी ने इस मिमिक्री का वीडियो भी बना लिया। बवाल यहां से शुरू हो गया। अमित तिवारी जी, ये है पूरा मामला और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अभी एक बात अरोरा साहब ने कही है और बिल्कुल इस पर आपकी जवाबदेही बनती है। रमेश बिदूड़ी साहब नई सदन के अंदर ही बोल रहे थे ना, इतनी अमर्यादित भाषा का वो इस्तेमाल कर देते हैं। आप जहां एक तरफ ये कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, हम पर अल्पसंख्यक विश्वास करता है, उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। उनका पद बढ़ा दिया गया, चुनावों में उन्हें भेज दिया गया, इस पर भी तो जवाबदेही आपकी है ना सर। आगे नहीं रहे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पता नहीं जो बोला कि रमेश बिदूड़ी जी ने बोला, मुझे तो पता नहीं, वो मैंने सुना नहीं था और ना ही इन्होंने जो अभी दोहराया उसका मुझे अर्थ। पर अगर कुछ गलत बोला गया तो उसके लिए राजनाथ सिंह जी ने तुरंत संसद में खड़े हुए और उसके लिए माफी मांगी, अपने सदन के सदस्य के जो भी गलत बयानबाजी हुई उसके लिए सदन में खड़े होकर माफी मांगी। निलंबन क्यों नहीं हुआ? निलंबन क्यों नहीं हुआ? ठीक है, मैंने आपको सुना, मेरी बात पूरी करा लीजिए। जिस तरीके ये होती है संवेदनशीलता, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने तुरंत उसी समय खड़े होकर सदन से स्पीकर से माफी मांगी और पूरे सदन से माफी मांगी और कहा कि इनके इन्होंने जो कहा उसके लिए हम माफी मांगते हैं, ये होती है संवेदनशीलता कि आप किसी भी सदस्य के लिए कितने आप उसके सम्मान और उसकी मर्यादा का कितना पालन करते हैं। लेकिन आज दूसरी तरफ आप देखिए जो उपराष्ट्रपति जी का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, उन्हें बोला जा रहा है कि स्पाइन नहीं है। आपने वो जो अगर पूरा वीडियो देखा होगा, हाँ। उसमें क्या कहा जा रहा है कल्याण बनर्जी की तरफ कि आई डोंट हैव स्पाइन और वो खड़े नहीं, तो ये किस तरीके की बात कही जा रही है और वो भी उपराष्ट्रपति के लिए। आप एक उपराष्ट्रपति पे दिए गए बयान को आप सांसदों के बीच की झगड़े की बात कर रहे हैं, वो उपराष्ट्रपति का पद है महोदय, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। कल होकर आप राष्ट्रपति को कुछ भी कहने लगेंगे, कल होकर आप प्राइम मिनिस्टर को गालियां देते ही देते हैं, तो आप उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति इन पद को भी अगर आप नहीं छोड़ेंगे और उसको भी आप गालियां देने का काम करेंगे और वो भी संसद में, तो छोड़िए संसद परिसर में आप कर रहे हैं ये सारा काम। संसद का परिसर जो है, आप कह रहे हैं हम संसद में नहीं बैठे, संसद के बाहर कर रहे हैं। अरे भाई, आप संसद परिसर में है, गांधी जी की प्रतिमा सामने है और आप उस परिसर में बैठकर आप ये कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जी के पास स्पाइन नहीं है और वो स्पाइनलेस है। आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं? ठीक है, सिर्फ अपनी खींच को मिटाने के लिए आपने जो उपराष्ट्रपति जी ने जो अपना बयान दिया, आपने देखा होगा उनके चेहरे पे जो दुख था, इतना लंबा कार्यकाल, इतना लंबा पब्लिक लाइफ उन्होंने बिताया है और आज उनके पब्लिक लाइफ को इतने मतलब उनके चेहरे के दुख को देखकर मुझे तो दुखद है, निंदनीय है, बिल्कुल मैं मानती हूँ दुखद है, निंदनीय है। सिर्फ वो किसान पृष्ठभूमि से आते हैं इसलिए, क्या वो गरीब माँ के बेटे रहे हैं क्या वो इसलिए? प्रधानमंत्री जी भी तो यही कहते हैं कि क्या मैं गरीब माँ का बेटा हूँ इसीलिए सब मुझे गालियां देते हैं, और वो तो कहते हैं कि ठीक है आप मुझे दीजिए, लेकिन इस लोकतंत्र के मंदिर को तो कम से कम आप सम्मान कीजिए, जहां पर आपको चुनकर भेजा गया है, जहां से आप आते हैं वहां के लोगों के प्रति आपकी जवाबदेही है। चलिए ठीक है, अमित तिवारी जी, अमित तिवारी जी, लाल बहादुर जी से जवाब ले लेते हैं। मैं 10 सेकंड, हाँ, 10 सेकंड में, 10 सेकंड मुझे दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। आपने जिक्र किया 374A का जो धारा है, आपने उसके लिए साइन किया है ना,
पढ़कर साइन करकर आप संसद में गए हैं और आप उसी का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी ना। अगर कार्रवाई करने के लिए आप स्पीकर को जिम्मेदार कर दें, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किस तरीके से हर चीज के लिए सत्ता पक्ष को जिम्मेदार कर दिया जाता है, अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर पाते हैं विपक्ष के लोग। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास, वापस माफी मांगने के बजाय लाल बहादुर जी, लाल बहादुर जी, अब देखिए ये तो जस्टिफाई करना मुश्किल है, लेकिन एक पद की गरिमा का ध्यान रखना हर किसी का कर्तव्य है। मैं हूं, अरोरा साहब है, तिवारी जी है, चाहे लाल बहादुर जी है, आप उस पद की गरिमा रखिए, बाकी आपसे सांसद आपस में क्या बोल रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, ठीक है वो समझ में आता है, लेकिन उस पद के गरिमा का ध्यान रखना किसका कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है, हम लोगों का कर्तव्य है। हम अपने देश को तो छोड़ दीजिए, आप विश्व में किस तरह की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? एक बार तो सवाल उठ ही गया है, संसद में जिस तरह से सेंधमारी हुई, सुरक्षा में चूक हुई, आप क्या चाहते हैं दोबारा से माहौल बनाना? आपके नेता यही चाहते हैं, राहुल गांधी जी आराम से वीडियो बना रहे हैं, क्या चल रहा है वहां पे, कोई नुक्कड़ नाटक चल रहा है क्या? पाठोर जी, संसद में बोलने का अधिकार संविधान ने दिया, बोलिए ना, लेकिन आप वो जो अभी 374 का जिक्र किया गया है उस पर साइन करके आप अंदर गए हैं ना, तो उसके तहत ही आप बोलिए, कौन मना कर रहा है? आप तरीके से अपनी बात रखेंगे, मना थोड़ी ना करेगा कोई। बात करते हैं, ये संविधान कांग्रेस पार्टी की देन है, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया संविधान, और ये जो आज जिस तरह की बातें कर रही है, जिस तरह से निलंबन कर रही है, जिस तरह से एक लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है, ये सारे अधिकार संविधान ने दिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने कहा कि मैं अरविंद सिंह हूँ, मैं अरविंद सिंह हूँ, मैं किसी बात चाहूंगा तो जो आस पास जो संदर्भ है क्यों चल रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव है। 2014 में अपने आप को प्रधानमंत्री जी कहते थे, मैं अरविंद सिंह हूँ, और अरविंद सिंह के दिमाग का ऐसा पर्दा इन्होंने डाला कि हमारे जयपुर का एक प्रधानमंत्री बन सकता बन गया, सारा किसी ने वोट दिया। 2019 फिर उसने कहा कि राहुल जी कुछ पार्टी मुझे नीचा कहती, मुझे नीच कहती है, मैं नीच हूँ, मैंने किसी जाति ने जन्म लिया, मैं ओबीसी हूँ, 2019 में मेरी ओबीसी के नाम पे आ गई। देखिए राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में जब इनको इस तरह से निंदा कर दिया, इन्होंने कहा कि आप बताएं से कितने आप बताएं डिमांड है, बहुत अच्छे डिमांड कर रहे हैं, 1931 के बाद करवाइए। जब ये बातें आई, जब ये बात का खुलासा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने कहा, राहुल जी ने कहा संसद में, तो देखो चुनाव किए, मोदी जी ने कहा कि जाति को मैं किसान है, गरीब है, महिला है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तिवारी जी के पास इस बात का जवाब है नहीं कि मोदी जी 2024 करते हैं, 2024 करते हैं, 24 का चुनाव है ना, राहुल जी ने पूरी तरह से उनकी सारी बातों का एक तरह से कर दिया, नंगा कर दिया हूं। मतलब आप माफी नहीं मांगेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, एक एक उपराष्ट्रपति का माहौल बनाने के लिए आप माफी नहीं मांगेंगे, बार बार करके निलंबन कर रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, संविधान ने जो अधिकार दिए हमने किए उसकी उसका किस तरह से अवमान कराया जा रहा है, तो आप माफी नहीं मांगेंगे ना जो आज हुआ उसके लिए? संविधान में ऐसी जातियों का कन्वर्जन नहीं है, अब नई जातियां आ गई, मेरे भाई के पास कोई जवाब नहीं होगा इस चीज का, चलिए जी के पास कोई जवाब नहीं होगा इस चीज का, ये किस तरह से मार्केटिंग करते हैं, किस तरह से एक वोट के लिए, वोट बैंक के लिए जनता को किस संस्था को किस तरह से
समझ गई है। अब इनके लोग हमारे जनता अब लोग अब चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। दो ठीक है लाल बहादुर जी, वापस लौटूंगी मैं आपके पास सर, वापस लौटूंगी, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है, वापस लौटूंगी आपके पास। हरगोविंद अरोड़ा जी हमारे साथ बने हुए हैं। हरगोविंद जी, आपने बीजेपी को भी सुना है, कांग्रेस को भी सुना है। बीजेपी ये कह रही है कि उपराष्ट्रपति का अपमान अस्वीकार्य है, माफी मांगनी चाहिए विपक्ष को। कांग्रेस से कह रही है कि सदन के अंदर जो हो रहा है वो लोकतंत्र की हत्या है। क्या पीठासीन जो उस वक्त धनखड़ साहब बैठे थे उनको देखना नहीं चाहिए, उनको समझना नहीं चाहिए? लोकतंत्र के गले को क्यों घोटने की कोशिश हो रही है? आखिर देश में जनता किस तरह से इस पूरे वाक्य को समझे? देखिए, सबसे अपनी बात प्रारंभ करने से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता को यहां मैं करेक्ट कर दूं, जो ये बार बार कह रहे हैं कि आजादी और संविधान ये कांग्रेस की देन थी। तो बंधु कृपया थोड़ा सा इतिहास में आप झांक लीजिए, आजादी और संविधान ये कांग्रेस की देन नहीं है। आप एक राष्ट्रीय चैनल पर आप कुछ भी बोल देंगे। दूसरे, सदन के अंदर देखिए, चाहे सदन हो या सामान्य जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में जब भी किसी सामान्य व्यक्ति का भी प्रवेश होता है तो उसको अपने आचरण की ओर ध्यान रखना पड़ता है। कारण क्योंकि उसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, ये टीवी वीडियो या हम अगर इसे आप ना भी देखिए, सामान्य जीवन में भी देखिए, आपको जो जनप्रतिनिधि है, तो सार्वजनिक जीवन का मतलब क्या है? सार्वजनिक जीवन का मतलब संन्यास से कठिन तपस्या ही है। उसमें आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं दरकिनार करनी होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य देश का क्या है, अब देखिए ना, देश में नेताओं का तो निर्माण हो नहीं था ना। अब सबसे बड़ी बात आपको यहाँ मोदी की बात को ये मूल अंतर को समझना होगा, नेता और जनप्रतिनिधि में अंतर क्या है। नेता का मतलब गांधी, वाजपेयी, जेपी, बालासाहेब, ये नेता। अब जनप्रतिनिधि का मतलब काउंसलर, एमएलए, एमपी या अगर जो मिनिस्टर है वो। अब जनप्रतिनिधि एक वोटों के मायाजाल से चुनकर आ सकता है, लेकिन नेता तो दिलों के मायाजाल से निकल कर आता है ना। अब दुर्भाग्य क्या है कि नई पीढ़ी में नेता का निर्माण तो कहीं हो नहीं रहा। धड़ल्ले से वो फैक्ट्री जनप्रतिनिधियों का निर्माण कर रही है, तो लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा इसकी कल्पना तो की जा सकती है। ठीक है, अमित तिवारी जी, लोकतंत्र में हर किसी के बोलने का अधिकार है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आप अपनी भाषा को मर्यादित रखते हैं, लेकिन अगर कार्यवाही दो तरफा हो या फिर दोहरे सेंस में हो तो वो कहीं ना कहीं खलती है। मैं ये नहीं कह रही कि आज जो हुआ वो सही था, आज जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन जो संसद में सेंधमारी हुई है इसी को लेकर विपक्षी सांसद लगातार आपसे सवाल कर रहे थे, वहां पर जवाब ना देना, बार बार बोलने के बाद भी, मणिपुर पर भी ऐसे हुआ था, बार बार बोलने के बाद जब बात शुरू हुई, जब महीने हो गए उसके बाद फिर विपक्ष वॉकआउट कर गया। इस मामले पर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। तो क्या ये बीजेपी ने सोच रखा है कि अगर विपक्ष सवाल उठाएगा, उठाता रहेगा, जब ज्यादा वक्त हो जाएगा, जब हम जवाब देंगे तो विपक्ष वॉकआउट खुद कर लेगा, फिर हमें जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ ऐसा चल रहा है क्या? नहीं काजल जी, इस एक चीज को हमें समझना पड़ेगा कि जैसे ही संसद पे हमला हुआ, जो भी घुसपैठ करने की कोशिश हुई, उसके तुरंत बाद विपक्ष के नेताओं का बयान क्या आता है कि वो बेरोजगार है, वो महंगाई से पीड़ित है। आपको ध्यान रखना होगा, बिल्कुल गलत है, ये वही लोग हैं जो आतंकवादी के मरने पर फूट फूट कर रोते हैं, ये वही लोग हैं जो नुसरत को बेटी कहते हैं, ये वही लोग हैं जो अफसल को हालात का मारा कहते हैं, ये वही लोग हैं जो
याकूब को जुडिशियल किलिंग कहते हैं, ये वही लोग हैं जो बुरहान वाली को भटका हुआ नौजवान कहते हैं, ओसामा को जी कहते हैं और जाकिर नायक को शांति में मसीहा कहते हैं, ये वही लोग हैं। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस के नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं वो बोल रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या क्या उस दिन नहीं होती 25 जून 1975 जब आपने लोकतंत्र को एक तरीके से बंधक बना लिया था? क्या उस दिन नहीं होती जब उस बंधक बनाते हुआ बनाकर आपने संविधान में संशोधन किया था? क्या उस दिन नहीं हुआ था जब राजीव गांधी ने कहा था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? क्या उस दिन नहीं हुआ था जब उन्होंने ये कहा था कि एक रुपया अगर हम भेजते हैं तो 15 पैसा गरीब तक पहुंचता है? तो लोकतंत्र की हत्या क्या होती है ये हमने पल पल जिया है, और कांग्रेस के नेता लाल बहादुर जी यहाँ पर बैठ कर लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। हमसे ज्यादा विपक्ष में कोई नहीं रहा है कानून, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी एक विपक्ष की मर्यादा को कैसे विरोध भी किया है, हमने विरोध भी किया है, ऐसा नहीं कि और पुरजोर विरोध किया है, ऐसे विरोध किए हैं कि सदन में सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े हैं, लेकिन उस विरोध की एक मर्यादा थी, उस विरोध का वो विरोध एक सम्मान के साथ होता था, किसी का मोह उड़ाकर नहीं होता था वो विरोध। आप किसी आप पुराने क्लिपिंग सब कुछ तो संसद के अंदर का तो सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, आप जाकर आज सब कुछ इंटरनेट और यूट्यूब पे अवेलेबल है, हमारे किसी भी बड़े नेता का जिसके जो संसद में उन्होंने बोला है कभी भी आपने नहीं देखा होगा, ब्लैक कार्ड लेकर गए हो या हो हंगामा किया हो या वेल में जाकर कोई पेपर फाड़ा हो या स्पीकर को अपशब्द कहे हो, पर ये जो परंपरा अब शुरू हो गई है पूरे के पूरे घमंडिया गठबंधन द्वारा, तो ये एक ट्रेंड शुरू करने का कोशिश की जा रही है। तो मेरा कहना इतना है कि इस पर कांग्रेस को पूरे के पूरे घमंडिया गठबंधन को इस पर माफी मांगनी चाहिए, और जाकर जितने भी सांसद निलंबित हुए हैं वो माफी मांगे, और सदन की कार्यवाही जितने दिन के लिए भी बची है मेरे ख्याल से अब कुछ ही दिन ठीक है। ठीक है ठीक है, लाल बहादुर जी उसके 1975 का जिक्र हुआ है तो इस पर तो सब जवाब देना बनता है। काजोल जी 1975 में जो हुआ उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता, अब ये भुगतेंगे। ठीक है, आप ये मानते हैं कि गलत हुआ था? चलिए ये तो मानते हैं ना कि गलत हुआ था, अगर ये गलत है तो वो भी गलत था। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी कई बार कह चुके हैं इसके ऊपर तो कि भी जो गलत हुआ उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता, ठीक है अब ये भुगतेंगे। राहुल गांधी सुनिए लाल बहादुर जी, राहुल गांधी सुनिए राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हुए थे और यही कहते हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं। आज आई इंडिया ये गठबंधन की चौथी बार बैठक भी हुई, हालांकि कुछ अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इस मोहब्बत की दुकान को खोलते खोलते राहुल गांधी क्या फिर से भटक गए हैं क्या? काजोल जी, राहुल गांधी कितना साफ सुथरा और सच्चा इंसान है वो उनकी बातों से ही देखा जा सकता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। 400 करोड़ अभी झारखंड से पकड़ाया है महोदय, इतनी लंबी यात्रा के बाद 400 करोड़ जिसकी गिनती होते होते ऐसा नेता जो अच्छा आज जो किया वो सही था, आज जो बाहर किया वो सही था, वो दिल से बोलते हैं, वो टीएमसी सांसद सुनिए, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जो मिमिक्री की उसका जो वीडियो बनाया वो सही किया राहुल गांधी ने, जो भी बोला वो सच साबित हुआ। मुझे बताए ना, राहुल गांधी ने जो बोला वो सच साबित हुआ कि नहीं हुआ? मेरे बीजेपी के भाई बैठे हैं वो बिल्कुल वही बात बोलते हैं जो बिल्कुल वास्तव में भारतीय जनता पार्टी उसकी बात को ठोक करती है और वो सत्य निकलती है। ठीक है, इन्होंने राहुल गांधी की एक ऐसी छवि बनाई मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत इन्होंने कोशिश की, लेकिन आज हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी की छवि जिस तरह से उभर करके आई है, जिस तरह से वो खिल करके आए हैं, जिस तरह से उनकी सच्ची बातों में पूरा देश विश्वास करने लगा है, ये एक सोचने की बात है। लेकिन आज शायद राहुल गांधी गंभीरता को भूल गए और यही वजह है कि कल्याण बनर्जी जब मिमिक्री कर रहे थे जगदीप धनखड़ साहब की, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वो वीडियो बनाने लगे। यहाँ राहुल गांधी की गंभीरता कहीं ना कहीं डगमगा गई। लाल बहादुर जी, काजोल जी, ये मेरे भाई की जो बीजेपी के बैठे हैं इनको पता होना चाहिए।
आवाज का इशू हो रहा है लाल बहादुर जी। बीजेपी पार्टियों का क्या योगदान था? ये हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी की बात ये करेंगे क्या? ये राहुल गांधी का मुकाबला करेंगे? इनके परिवार का, इनके पुरखों का एक इतिहास रहा है, उन्होंने देश के लिए जान दी है, देश के लिए कुर्बानी दी है, ये क्या जाने उस कुर्बानी को? चलिए ठीक है, ठीक है, राहुल गांधी कांग्रेस की गांधी परिवार की वीरता, राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार की, यहाँ पर मैं ये सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ कि राहुल गांधी के परिवार ने या गांधी परिवार ने क्या किया, क्या बलिदान दिया। देश जानता है सर, देश ने अच्छा भी देखा है कांग्रेस को, देश ने कांग्रेस को बुरा करते हुए भी देखा है और जवाब भी दिया है कि इतने सालों तक राज करने के बाद कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है इस वक्त, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ होगा ना, जनता वो देख रही है। वापस लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल हुआ है कि जनता को बेवकूफ बनाया है, झूठ बोल के रोटी। वो तो अभी 2024 नजदीक है और पिछले चुनावों में भी आपने देख लिया, तीन राज्यों में आपने देख लिया, दो राज्यों में आपकी सरकार थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लाल बहादुर जी अभी काले धन की बात नहीं हो रही है। लाल बहादुर जी वापस लौटूंगी सर, सुनिएगा प्लीज, मुझे कमेंट लेना है गोविंद जी से। ठीक है, हरगोविंद अरोड़ा जी, सुनिए सुनिए लाल बहादुर जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज सुनिए, प्लीज एक आखिरी कमेंट मुझे लेना है अरोड़ा जी से, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे थे, अरोड़ा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जिस आपातकाल के विषय में हमारे साथी भाजपा प्रवक्ता ने कहा, देखिए ये वही तो विचारधारा है कि दूसरे उस आपातकाल के विरोध में अनेकों कुर्बानियां दी, लोग तो केवल सुनते होंगे, उन्होंने तो कुर्बानियां दी, और इस पीढ़ी में शासन में जो लोग हैं उनका तो राजनीतिक उदय शायद इसी आपातकाल से हुआ। तो अपेक्षा ये थी कि वो विचारधारा जब सत्तारूढ़ होगी तो कम से कम वो तो उस आपातकाल का अनुसरण नहीं करेगी, और यदि वो भी उसी ठहरने पर चल कर, और उदाहरण ये देंगे कि आपने दो गोली मारी थी, हम तो एक ही मार रहे हैं, तो ये किस श्रेणी में गिना जाएगा? तो अपेक्षा उनसे लोकतंत्र को अच्छे ढंग से चलाने की थी, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए उस विचारधारा ने कुर्बानियां दी। चलिए ठीक है, और देश में क्या कुछ हो रहा है इसका जवाब 2024 में आम जनता जो है वो आम चुनावों में दे देगी लोकसभा के। थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है हमें। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज जो सदन के अंदर हुआ और जो सदन के बाहर हुआ, इस पर पूरा देश चर्चा कर रहा है, क्या गलत था, क्या सही था, आंकलन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार विपक्ष के पुराने रवैये पर जीरो टॉलरेंस की क्या नीति अपना रही है, या फिर ये जीरो टॉलरेंस सिर्फ तानाशाही है? क्या सदन के भीतर संसद की सुरक्षा में हुई सीन को लेकर सरकार को विपक्ष को जवाब देना चाहिए या सरकार जवाब देना नहीं चाहती? क्या विपक्ष ने जो जवाब की मांग की है वो नकारात्मक राजनीति का उदाहरण है, या फिर जो विपक्ष सवाल कर रहा है वो बदतमीजी के या मखौल डालने के रूप में सदन के बाहर नजर आ रहा है? फैसला आम जनता के हाथ में है और आम जनता जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।